मूषक जी यहाँ है तो वहाँ मैंने किसे देखा था। विचित्र बात है, अब वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गणेश चतुर्थी अर्थात प्रभु के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने का अवसर भी हमें मिल जाएगा। देवी देवसेना का सुझाव सर्वथा उचित है। हम यहीं रुककर गणेश चतुर्थी मनाएंगे और उसके पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्यों अनुज गणेश? क्या क्या किया मैंने भ्राता? अनुज गणेश, तुम तो इस संपूर्ण युद्ध में हमारे सहायक बने रहे और तुम पूछ रहे हो कि क्या क्या किया है तुमने। मैं बताता हूँ, तुमने हमारी सहायता के लिए गजवक्र अवतार धारण कर हमारी समूची सेना को सागर पार कराया है। तुमने वीर बंधुओं की आत्माओं का मार्गदर्शन कर उन्हें उनके शरीर में भेज दिया और ये सब संभव हुआ तुम्हारे सुमुख गणेश अवतार के कारण। इसीलिए हमारे विघ्नहर्ता गणेश के जन्म दिवस का उत्सव तो यही मनाया जाएगा, यही इसी भूमि पर जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और हाँ अनुज गणेश, और ये उत्सव मनाया जाएगा तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन के साथ। उचित कहा ना मैंने अनुज गणेश? हाँ हाँ भ्राता, यदि यही सबकी और देवी देवसेना जी की इच्छा है तो मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ। प्रभु के जन्मदिन का गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा, अति स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हाँ हाँ, हमें अविलंब इसकी व्यवस्था आरंभ करनी चाहिए। आइए चलिए। मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए ये ज्ञात करने में कि यहाँ कौन है। अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया? क्या हुआ प्रभु, आप यहाँ क्यों चले आए? क्या कोई चिंता का कारण है यहाँ? वहाँ वहाँ है वो। हाँ प्रभु, मैं तो यही हूँ आपके निकट। क्या हुआ प्रभु, क्या यहाँ कोई दिखाई दिया आपको? प्रभु ने कहा तो उसका कुछ कारण अवश्य होगा। Oh,
ने देख लिया तो संकट में पड़ जाऊंगा। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। जाल के जंजाल से मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। अच्छे अच्छे इसमें उलझ कर रह जाते हैं, तो भला तुम कैसे बचते छलिया? भागने का प्रयास कर रहे हो? कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। क्या सोचकर आए थे यहाँ? तुम्हारा पुराना मित्र गणेश जी का वाहन मूषक तुम्हें हमारे स्वामी क्रूरासुर जी के क्रोध से बचा लेगा? कदापि नहीं। मुझे इससे बचना ही होगा। छटपटाओ मत, क्योंकि जितना तुम छटपटाओगे उतना ही मेरे जाल का जंजाल तुम्हें जकड़ लेगा। चलो हमारे क्रूरासुर जी के पास, वो तुम्हें समझाएंगे मित्रता का अर्थ क्या होता है। राक्षसी, ये छल से तुम मुझे कहां ले आई? कोई छल नहीं किया है मकर राक्षसी ने, वो तुम्हें तुम्हारे परम मित्र के पास लेकर आई है, क्रूरासुर के पास लेकर आई है छलिया मूषक। सावधान रहना, बहुत भयंकर है वो। जो कहता है वही करना, क्योंकि वो जो कहता है उचित ही कहता है। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो। फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर। मकर राक्षसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए महान असुर क्रूरासुर।
मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। से डरा नहीं जाता, ये तुम्हारे शत्रु नहीं मित्र ही तो हैं। मित्र डरो मत, मित्रों से डरा नहीं जाता, ये तुम्हारे शत्रु नहीं मित्र ही तो हैं। मित्र वहां द्वार पर कोई रक्षक नहीं, भाग लो चलिए इस विचित्र स्थान से। छलिया से छल भारी पड़ेगा, मुझे ऐसे बंदी बनाना इतना सरल नहीं है। कदाचित मुझे अपना उचित परिचय देना ही पड़ेगा। अब बताओ क्यों लाए मुझे यहां, बताओ क्या चाहते हो मुझसे, बताओ। जब कोई अत्यधिक भयभीत हो जाता है तो वो अपने भय को छिपाने के लिए साहसी बनने का स्वास करने लगता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि उसकी सच्चाई सामने वाले से छिप नहीं सकती। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है, वो फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। ओह, अब समझा इसकी माया, दूर रहकर भी ये किसी को भी अपनी फुसफुसाहट से प्रभावित कर लेता है। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरा विश्वास करो मित्र, मैं क्रूरासुर ही तुम्हारा मित्र हूँ। पर मुश्का कर नहीं, जो गणेश जी का वाहन बन बैठा है, जो
जो अपने मित्र को आहत करे संपूर्ण जीवन उसे लंगड़ाने पर विवश करे वो भला मित्र कैसे हो सकता है। नहीं, तुम असत्य कह रहे हो, वो मेरा मित्र है, उसने मुझे आहत नहीं किया, जो भी हुआ मात्र एक संयोग था। अच्छा, तो जो कहा अभी तुमने उस पर पूर्ण विश्वास है तुमको? हाँ है, पूर्ण विश्वास है। हमारे बीच में एक प्रतियोगिता थी, उसमें जब मैं उस पर कूदा वो अपनी रक्षा के लिए अपने स्थान से हट गया और मेरा पैर एक पत्थर पे पड़ा जो हिल रहा था, उसके कारण मैं खाई में गिर पड़ा और मुझे मुझे चोट लग गई। बस बस यही सत्य है। मूषकासुर को पराजित करना इतना सरल नहीं है छलिया। अभी अभी ज्ञात हो जाएगा। देखा छलिया, तुम सबसे अधिक शक्तिशाली मूषक माने जाते हो, परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। ये भी अभी ज्ञात हो जाएगा। चलिया, मेरे मित्र। बहुत ही भोले हो तुम मित्र, बहुत भोले। जिसने तुम्हें खाई में गिरा दिया, तुम अब भी उसे अपना मित्र मान कर बैठे हो। हाँ, मित्र मानता हूँ, मित्र है वो मेरा। मित्र कौन होता है जो संकट के समय में मित्र की सहायता करने में तनिक भी संकोच ना करे, वो गहरी खाई में उतर कर अपना जीवन दाव पर लगाकर मेरी सहायता करने नीचे उतरा, तो मेरा मित्र नहीं है वो। मित्र है वो मेरा। मित्र, मित्र, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो, 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 मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चिंतित ना हो मित्र, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, अपनी फुसफुसाहट से बहला फुसलाकर असत्य को सत्य बनाने का प्रयास मत कीजिए, और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी, बस दुर्घटना। छलिया को भी छलिया उस मूषकासुर ने, तुम्हें इसका रत्ती मात्र भी आभास तक नहीं होने दिया उसने। तब तो फिर छलिया ये नहीं, वो मूषकासुर ही हुआ ना। मैं छला गया मूषकासुर से? नहीं नहीं, ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं, इनके जाल में उलझूंगा नहीं मैं। अच्छा बताओ मित्र छलिया, उस प्रतियोगिता का सुझाव किसका था? मूषकासुर का था। और प्रतियोगिता का स्थान किसने चुना था? वो भी मूषकासुर ने चुना था। और अपना स्थान किसने बदला था जिसके कारण तुम फिसले थे? मूषकासुर ने। तो फिर अब तुम ही सोचो कि वो पत्थर रखा होगा किसने? किंतु वो तो मेरा मित्र है, मेरे साथ ऐसा छल क्यों करेगा? राजा, तुम सबका राजा बनना था उसे, और इसमें एकमात्र तुम ही थे जो उसके मार्ग के पत्थर थे, इसलिए उसने पत्थर रखकर अपने मार्ग के पत्थर अर्थात तुम्हें अपने मार्ग से हटा दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता,
मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? ना विश्वास करो अथवा मत करो, जीतू तुम्हारे ऊपर है मित्र। मेरा काम था तुम्हें स्मरण करा देना। तनी बताओ तो, खाई में गिरने के पहले क्या कहा था उसने तुमसे? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। उत्तर मिल गया ना अपने प्रश्न का तुम्हें? हो गया ना पूरा सुर की बात का विश्वास? तुम्हारे पांव को ही नहीं अपितु उसने तुम्हारे मनोबल को भी आहत किया है मित्र। तुम नीचे गिरे और वो ऊपर उठता चला गया। जो राज सिंहासन तुम्हें मिलना चाहिए था उसने स्वयं स्थापित हो गया, मूषिका सुर बन गया। देखो तो भला कितनी प्रतिष्ठा है उसकी। स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन बन बैठा। और तुम कहाँ हो, क्या हो? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बस उचित कहा तुमने, विश्वासघात किया उसने मेरे साथ, मित्र बनकर छला है मुझे, वो भी मात्र एक राजा बनने के लिए। कोई मित्र ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई मित्र ऐसा? कोई मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मित्र होता तो ऐसा कदापि ना करता। शत्रु है वो शत्रु, तुम्हारा मित्र तो मैं हूँ। तुम्हारा ये मित्र क्रूरा सोसुर तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध लेने में सहायता करेगा। जो कुछ भी उसने तुमसे छीना है और जिसके तुम योग्य हो वो तुम्हें दिलाकर ही रहेगा। और तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। मूषिकासुर को पराजित करने की आशा और गणेश जी का वाहन बनने की आशा। किंतु अब मैं शक्तिशाली कहां रहा, मैं उससे कैसे युद्ध करूंगा? साथ हूं जब मैं तुम्हारे मित्र, तो चिंता तनिक भी मत करो शक्ति की। बस मुझे ये बताओ कि तुम प्रतिशोध लेना तो चाहते हो ना? जिसके मात्र तुम अधिकारी हो उसे प्राप्त तुम करना चाहते हो ना? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। चाहता हूँ मैं प्रतिशोध लेना, चाहता हूँ मैं। जिसने मुझसे मेरा स्थान छीना, मेरा मनोबल तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उससे मैं उसका स्थान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा सबको छीन लूंगा, सबको छीन लूंगा। इस
स्पष्ट नहीं है, किंतु कुछ अनुचित अवश्य है जो मुझे सुनाई दे रहा है। ये लीजिए, प्रभु को ये पुष्प अधिक प्रिय है। कदाचित मूषक जी के साथ कुछ घटित होने वाला है और उन्हें इसका कोई आभास ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत समय से उनकी सेवा में हूँ। उनका वाहन होने के कारण उनके निकटतम होने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे, इसलिए मुझे भली भांति ज्ञात है उन्हें क्या भाता है। ओ, तो आप बहुत समय से उनके वाहन हैं और आपकी गति भी कम है। तब तो अवश्य गणेश जी अपना वाहन बदलने का विचार कर रहे होंगे। लाइए, ये पुष्प मुझे दीजिए। उनके वाहन के रूप में उनकी सेवा एकमात्र मेरा अधिकार है। प्राण खो दूंगा किंतु अपना स्थान नहीं। अरे मूषक जी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो परिहास कर रही थी। मुझे ज्ञात है जिस स्थान पर एकमात्र आपका अधिकार है, वो स्थान भला आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि अपना स्थान सुरक्षित रखना है तो योग्यता तो बार बार सिद्ध करनी ही पड़ती है। कदाचित वो समय आ ही गया है जब मूषक जी को अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी। प्रतिशोध, प्रतिशोध चाहिए मुझे। इसके लिए मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कहो महेंद्र, क्या तुम वो शक्ति पाने के लिए तैयार हो? हाँ, हाँ, मैं तैयार हूँ। जी, मैं सप्त नदियों का जल लाया हूँ। मोदक बनाने हेतु गौमाता के दुग्ध से निर्मित मावा लीजिए। ये लीजिए प्रभु, मैंने सबसे उत्तम दूर्वा प्रभु के सिंहासन के लिए एकत्रित किया है। hmm.
मेरे जन्म दिवस के उत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं और मूषक जी का उत्साह तो सबसे अधिक है। व्यवस्था देखना, कल का उत्सव अत्यंत आनंददायक होगा। मूषकासुर, अब मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने आ रहा हूं। दूसरों की बातों पर विश्वास और अपनों पर संदेह स्वयं के विनाश की ओर बढ़ाया गया प्रथम चरण है।